खैर कोई बात नहीं है, हम लोग सही वक्त पे आ गए। अब एक काम करिए, आप सही सलामत बच गई, इसलिए हमारी बात को मानिए और फौरन यहां से निकल जाइए। मैं समझ गई आप लोगों को कहने का मकसद यही कि मैं जिस रास्ते से आई उसी से फिर वापस हो जाऊं। यानी जौनी गांव चली जाइए? चली जाऊंगी मैं। हम तो जौनी गांव की ना जाए फिर। क्यों नहीं जा पाओगे? हम जौनी गांव की गेट बंद होएगा। लेकिन परदेसी ठीक है, फर्जी अफसर जाने से पहले आपने मुझे डूबने से बचाया। इधर आइए सामने। अरे बाबा मैं आपकी बात नहीं करती हूँ। क्या हो गया बाबा? कह के पूरी जिंदगी झंड कर दे। इधर आइए साहब जी, इधर आइए। जाने से पहले अपने घर मैं आपसे पर्सनल तो बात करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती है बोलिए। कह दूं? अब मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। नहीं घर को जाऊंगी। कीमती जेवर यही ला जाए, लज्जा शर्म हया। एक रखा दे रखा दे। अच्छा
बहर सिखाने के मास्टर हो? 10 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, जब बाजा देख के तुमको सीटी मार रहा था तो हम तो मर गए कह रहा। इसलिए मैंने तुम्हें नदिया से बाहर निकाल दिया। चुपचाप बैठे रहो तो आप अब अपने घर नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगी अपने घर, जमाना ही ऐसा है। इनके कमी नहीं ना, इनके बाप माता जो इनको पैदा करते हैं। तो उससे कौन पूछता है? इसलिए मैं किसी की जिंदगी को बर्बाद करना नहीं चाहते। या कह दिया हमसे सफरी ना। और जो तुम चाहती हो वो हो नहीं सकता। अरे लेकिन क्यों नहीं हो सकता? ये नहीं हो सका। हाँ, इनका लखनऊ दवाई चल रही। बिजली क्या बात है? सुनो हमारी बात। सुनाइए। नहीं अच्छी लगती और नहीं अच्छी लगती और अदाले हमारी बात को मानिए और फौरन यहां से निकल जाइए। चाटो समझा दो। देखो बिटिया। हाँ चाचा। अब आपका खेला खाक उम्र है। हाँ। और इस सब बवाल के चक्कर में ना पड़ो। हाँ। नहीं सर जी का दिमाग डिसबैलेंस होएगा ना, अंदर का दर 6 महीना की फुर्सत हो। अरे कहाँ पे मुझे अंदर कर देंगी? जेल में सर। हम तो फौजी अफसर सीजन दे के डिसीजन ले लो। मतलब हमारा है रघुपत राघव राजा राम, जैसा मौका वैसन काम। अरे सर दुनिया में आओ तो लब कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो। और आपका तो यहाँ मिल गए, हमको तो कुकुरू ही बता ससुरी। बिजली सुनो, इधर आइए। क्या कहना चाहती हूँ? और
और न हो जुल लाचार और हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सीमा सरहद पर रहते हैं और कितनी समय गोलियां चले और हम लोग मारे जाएं। सही बात है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। हमारे सर जी आपका सही समझा होते, तुम दूसरा घर द्वार देख लियो, हमारे पर जब जीवन कोनो भरोसा है नहीं ना, सीमा सरहद पर ड्यूटी लगी है, पता नहीं कितनी गोली कितनी देर हमें पंचक लाग जाए और कौन गोली लाग जाए, हम बचे विधवा हो जाए। क्या हो जाओगे? विधवा। एक बात बताओ, तो लड़का है या लड़की? हम लड़का हैं। लड़की हो? हम लड़का हैं। लड़की हो? हम लड़का हैं, मैं सब है, या है या है या है या है या है। अगर तुमका विश्वास नहीं हम लड़का हैं कि लड़कियां हैं तो एक देख लियो। और बेवा कौन होता है? हाँ मुल्ला ही बंचे होती है। हमारी बात को मानिए और फौरन यहां से निकल जाइए, चलिए दफा हो जाइए। ठीक है, वाह परदेसी वाह, मैंने तो सोचा था कि जीवन में मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया और मेरा दिल आप पर आ गया है तो आप हमारे प्यार को साफ इनकार करते हैं। इतने जीवन कहो तुम प्यारे नहीं करो? मैंने आज तक किसी को गलत नजर से देखा ही नहीं। हम तो जब हरहा चरावा जा रहे हैं। अच्छा तो हरहा ने शुरुआत कर दी। अच्छा कोई बात नहीं है परदेसी, अगर आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करना चाहते तो ये बिजली आज वादा करती है इसी नदी में डूब कर जान दे दूंगी, लेकिन अपनी कुटिया में कसता ही नहीं जाऊंगी, मैं इसी नदी में डूब कर मर जाऊंगी। नदी में डूब के मरे दिक्कत होई, मर जाऊंगी मैं, फांसी लगाए मरे है दिक्कत होई, मर जाऊंगी ऐसे मर। कहोगे तुक मुसीबत हमके देखी नहीं जा। नंबर ले। अरे हम हो तो बिना नंबर बोले पहल के मर जाए। अरे हम मरब थोड़ो, खाली आपका एक देखर रहन को बिटी वक्त बचा ली हो और हमेशा हम आपके साथ सुख दुख में शामिल रही थे, हम कब बचाते हो न बचाते हो, हम मरे थोड़ो मर के मिसकाल खाली मारी, हम कब बचा ले के मतलब तुम हमका प्यार करो थे ना, और क्या प्यार उनसे करो कहा हमारे लड़का हुई है कहा। अगर ये बात है तो ठीक है, तुम्हारा प्यार मुझसे कबूल है, आवाज के बाद जिएंगे किसके लिए? अपने बिजली के लिए। और मांगे तो किसके लिए? अपने बिजली के लिए। पक्का? पक्का है। आज के बाद जी है तो बिजली के लिए, मरी हो तो बिजली के लिए। बिजली के लिए। और ये जनरेटर हर दिन खड़ा है? जनरेटर भी रहेगा। लेकिन आपसे एक हमारा दरखास्त है। क्या है? हमारे गांव में 3-4 ठे खंभा गिरे हैं तो? एक 15 दिन से बिजली नहीं आ रही है। अच्छा। और मोबाइल स्विच ऑफ चल रहा है तो खोटी चार्ज कर देते हो, ले लगा खाली 2 पॉइंट कर दियो बस छटुआ, तो पागल हो गया है क्या? कहे अरे यार इसका नाम बिजली है, इसका नाम बिजली है, हम यानी मोबाइल चार्ज हो जाए। सर जैसे आप हमारे सर भाई हो तो? ये हमारी सर हुआ नहीं भाई देखो। मैं क्या हुआ? सर। और ये सड़वाइन साहबाइन साहबाइन नहीं सड़वाइन,
यानी ये आपकी वाइफ हो गई तो? यानी ये आपकी वाइफ आई, आप इनके हाफ माइंड आई हूँ। हस्बैंड 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 हम यानी हाफ माइंड। देखिए समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। क्या कह दूं? बात काम को देखते हुए कह दीजिए, क्योंकि मुझे भी अपनी कुटिया जाना है। मेरा समय हो गया है हाँ। और जब मैं सीमा सरहद से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए मोबाइल लाऊंगा। चुप हो जाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े लाऊंगा ठीक है, और अच्छे से अच्छे कंगन लेकर आऊंगा ठीक है ना। लेकिन एक मेरी बात सुनते जाइए। कौन सी बात है?
देखिए, मैंने जीवन में मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने आज आपसे पहली बार प्यार की, इसलिए मेरी बात को मानकर आज की रात आप हमारी कुटिया में दोनों लोग रुकिए, सुबह होते ही निकल जाना। अरे सर, अब दो जने का प्यार हो चुका है। अरे हम तुम सीमा सराय पर रही थे, पता नहीं साल भले में छह महीने लौटो, आज करो और रुक जाओ, हो कर लियो। बिजली, आज मैं जा रहा हूँ और जब मैं दोबारा आऊंगा हाँ? तो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊंगा, ठीक है ना? साथ में इनको ले आना। इसको कौन लाएगा साले को? अरे ले आना, दिमाग साला खराब कर देता है। चले, हम बाहर खड़े रहता नहीं। मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जाइए। लेकिन ये तो बता दो जाते जाते क्या है कि आप कहाँ ड्यूटी करते हैं और किस राज्य में करते हैं आप जी? देखिए हाँ, मैं सूरजगढ़ के बादल पर ड्यूटी करता हूँ। ठीक है। और महाराज अमन सिंह की सेना का सेना नायक मुझे लोक करण सिंह कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और फिर बहुत जल्द मिलूंगा। ओ, मैंने भी तो चोरी चोरी, अच्छा आपसे, मैंने भी तो चोरी 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 मैंने भी तो आखिया मिलाई। हो गया, देखिए जब आप सीमा सराय जाने की मुझसे बात की और ना जाने मेरा दिल क्यों घबराने लगा, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ, आज की रात मत जाइए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा बेड़ारो नाथ दियो, याद है सागर डीजे, सागर डीजे साउंड सिस्टम, इसी गांव निवासी है, सीन को देखते हुए 11 रुपए की नाम है, अगर घर से का तो मनसवा तैयार भा, चाहे बाजार हाट हुआ चाहे देश विदेश हुए, चले मेरे जो मेहरिया कहे, अब जो ठुको बोई लौटी हो तो समझो जिंदगी झंडे है। ठीक है, आप जाइए, मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगी, मैं जानती हूँ आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप नहीं रुक सकती, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। हर जाते परदेश पिया, जाते ही हसीनी पिया, जी का नंबर लियो। अरे छोटू, मैं तो नंबर भूल गई, यही लिए तुमका प्यार करेगा फुल तरीका मालूम नहीं ना। अच्छा, राम जोहर तो घर खत्म होएगा है, आजकल मने मिलत खाली कहीं नंबर वाला ही लियो। देखो सर जी साथ हम रही थे, हमारा नंबर ले लियो, बात हो जाई। चलिए अपना नंबर बोल दीजिए। नंबर नोट करो। बोलो। 9838 9838 680 216 9838 9838 680 216 खाली मिस करो कालो कहीं से खुद ही आ जाए। ठीक है, लेकिन जो बिटिया तुम्हें बीमारी लाग गए ना, हाँ, यह बीमारी ठीक नहीं ना होएगा। अच्छा, अगर लोग बात पूछे तुम्हारे बीमारी क्या लगी जानते क्या बताना? हाँ,
जल्लाहा था दिल मेरा चीता भी जला देना। अच्छा, जल्लाहा था दिल मेरा चीता भी जला देना, कफन न मिले तो दुपट्टा उड़ा देना, लोग पूछे बीमारी क्या थी तो सर झुका कर मोहब्बत बता देना। बाय, सी यू, बाय। वाकई में छोटू कमाल की चीज है। जैसा कि छोटू ने जो बात कहा बिल्कुल सत्य कहा। आज मैंने जीवन में पहली बार प्यार की। दिल में यही आता था कि मैं परदेसी को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा के रखूं, लेकिन कोई बात नहीं है, अब मुझसे वादा करके हो गए हैं, जब भी आएंगे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आएंगे, तभी मैं सारे दिल के अरमान उनसे मिटाऊंगी। तब तक चलती हूँ अपनी कुटिया, नहीं तो हमारे बाबू हमें बहुत डांटेंगे। I'm not afraid to die।